बड़वानी जिला मुख्यालय के पास स्थित धोबड़िया तालाब में डूबने से एक 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। बालक यहां शादी समारोह में आया हुआ था। बालक की मौत के बाद विवाह की खुशियां मातम में बदल गई। बच्चे की मौत की खबर सुनते ही परिजनों के रो रो कर बुरे हाल हो गए। गुजरात के राजकोट से बड़वानी विवाह आयोजन में शामिल होने आए बालक की मौत सुबह धोबड़िया तालाब में डूबने से हो गई। बालक का नाम आशीष पिता अर्जुन बताया जा रहा है। बालक सुबह अपनी मां के साथ तालाब में नहाने गया था, उसी दौरान वह गहरे पानी में चले गया और डूब गया। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और बालक का शव निकाला। बच्चे का शव निकालने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बड़वानी से अतुल कुमावत की रिपोर्ट। यार जी, आज पूरी शादी थी और मैंने को गुजरात से बुलाए थे, वो हाथ में आए और बच्चे लोग खेलते खेलते निकल गए उधर तालाब पे। वहाँ तालाब पे गए तो ये घटना हो गया। हम सब बाजार सब ब्याह शादी सामान लेने चले गए तो इतने जैसा हादसा हो गया। कितना टाइम बाद मालूम चला? मेरा आधा घंटा बाद मालूम चला। मैं बाजार था तो बाजार से डायरेक्ट मोटरसाइकिल लेके वहाँ पे गया तालाब में। बच्चा वहीं मिला। ये अभी पुलिस को करीब 1 से 1.5 घंटा पहले सूचना मिली थी कि DRP लाइन के पास में जो धोबड़िया तालाब है वहाँ पे जो है एक बच्चा पानी में डूब गया। सूचना पर पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची थी और ये जानकारी मिली है कि बच्चा जो है अपने परिवार के साथ वहाँ तालाब पे था। परिवार के जो लोग अपने कपड़े वगैरह धो रहे थे और उसी दौरान बच्चा पानी में खेलते खेलते अंदर चले गया और किसी का ध्यान नहीं रहा। और बाद में जब देखा तो बच्चा वहाँ नहीं था। सभी ने तलाश किया उसको और फिर जब तलाश में पानी के अंदर तो उसकी जो है डेड बॉडी मिली है। क्या नाम था बच्चे का और कहाँ से आया? बच्चा जो है उसका नाम आशीष पिता अर्जुन बंजारा है। करीब 13 वर्ष से उसकी उम्र है और ये गुजरात का होना बताया जा रहा है। और यहाँ परिवार में बता रहे हैं इसकी कोई मौसी की शादी थी, उस शादी में शामिल होने के लिए। बड़वानी